एक व्याहता ने फाहा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली ते ओह अपने पिछे दो मासूम बच्चियां नू छड़ गई। दरअसल पति वालों उसनू धोखा मिलिया सी ते हुण तलाक दा केस भी चल रहा सी, जिसके कारण ओह मानसिक तौर ते परेशान रहन लगी ते एह खौफनाक कदम चुकिया। मामला पानीपत तो सामने आया, जिथे पिंड निम्बरी दे विच इक व्याहता ने फाहा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त की है। महिला अपने पति की बेवफाई और तलाक केस पाउण दे कारण परेशान चल रही थी। लगातार मानसिक रूप तो परेशान होने के चलते महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद महिला ने फाहा लगा के सुसाइड किया है। लाश नू फाहे ते लटकदा देख सोहरे वालिया ने इसकी सूचना पुलिस नू दिती। सूचना मिलते ही पुलिस मौके ते पहुंची ते लाश नू थले उतारिया। जानकारी दिंदे हुए मृतका दी मां शीला देवी ने दस्या कि उसकी 31 सालां दी बेटी दा व्याह करीब 8 साल पहला पिंड निम्बरी निवासी अमरजीत दे नाल होया सी। व्याह तो बाद उसके दो बच्चे हुए। अमरजीत व्याह तो बाद ही उसकी बेटी वर्षा नू परेशान करता सी। पिछले 4 साल तो बहुत ज्यादा दुखी करता रहा ते उसके नाल कुटमार भी करता रहा, जिस तो बाद इस मामले की शिकायत पुलिस नू दी गई, पर पुलिस ने किसी तरह की कोई भी कार्रवाई उसके जवाई के खिलाफ नहीं की। उथे मृतका की मां ने इल्जाम लगाए ने कि उसके जवाई दे किसी होर महिला दे नाल नजायज संबंध ने, जिसके चलते उसकी बेटी परेशान रहती सी ते घर दे विच झगड़ा रहिंदा सी, जिस कारण उसकी बेटी ने इन सारिया गल्लां तो दुखी होके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मां ने हुण इंसाफ दी मांग कीती है। वर्षा नाम है जी मेरे लड़के का। उसके जिठानी ने फोन करा था सुबह 7 बजे, अगर तेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो एतवार न बात हुई थी, 4-5 दिन हो गए थे बात हुए। एतवार नवा नु कह रही थी माँ जिस तयो जिसके पास ही हो मेरे घर आड़ा रहा, वो मेरे काम पे भी आ गई, मेरे को परेशान कर रही है। मैंने कहा बेटी हम गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊँ, तू कुछ ना कह भाई सूरत ने, मारा तो केस चल रहा, तेना खर्चा तो मिलेगा, हर जगह केस करा क्या था जी। लास्ट टाइम कब बात हुई सर? है मेरी तो संडे ना बात हुई थी। क्या कहा? यही बात कही शाम ने 7 बजे से फोन करा था उसने 8 बजे से, यही बात कही माज तो वह आई थी जिसके के लगी मेरे घर वाला रव मगा कड़ा अकोड़ा मेरे काम पावा, 2 दिन हो मेरे को परेशान कर रही। सर आप सर क्या देख रहे हैं? क्या तो फांसी पे लटक रही थी मेरी दोती है, 7-8 साल की मेरी दोती है। वानुक है मेरे पापा ने मारी मेरी मम्मी। कोई केस भी चल रहा था? हाँ केस चल रहा था खर्चे का, वो तलाक मांगे था। किस बात के लिए? वो दूसरी औरत के पीछे ब्याह करवाना चाहता था, वो दूसरी औरत है। वो नुकवा था कि तू तलाक दे मैं इसको रखूंगा। आपको क्या लगता है कुछ सुसाइड किया है? मारी गई है ना? मारी है, मारी है, क्योंकि टॉर्चर कराया करता वो उसने, वहाँ 7 दिन में जाया करा था, नहीं कर यूज भी कराया करा था, मेरे तो बताया करा थे, मार भी मारपीट भी कराया करा था, संबंध भी बनाया करा था। हाँ मेरे तो बताया करा थी माँ आज आया था उसके दौरे तक गूगा गोबर खाया कर जाया करा था दूसरी औरत दौरे तक, फिर और काम में जाकर उसने परेशान करा करा था, वहीं रहा करती थी वो अपनी ससुराल में ही। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई मेरी बेटी जा रही है, आपने पता क्या करा कार्रवाई होनी चाहिए? पहले भी कभी एफआईआर वगैरह दी हो कहीं? दी थी खतरे की दरखास्त, पुलिस जिम्मेवार है इस बात की। हमारी चांदनी बाग थाने में कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं होया जी, उन्होंने रुपये भर दिए छुटका है, मेरा तो कुछ भी नहीं होया, मैं तो गरीब लोग आई हूँ। पुलिस में कर दी शिकायत? वो घर पे ही था जिस टाइम आप गए, उसका हस्बैंड या? वो तो रात ना बाज गया था, मेरी जो दिन बताया रात ना बाज गया। कितने बच्चे हैं? कब हुई? मेरे 2 बच्चे हैं यार, कि मेरी बेटी तो